15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भोपाल में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। मंडला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रामनगर में जनजाति गौरव सप्ताह के समापन के दौरान मंडला जिले में लगभग 674 करोड़ की लागत से 735 विकास कार्यों का भूमिपूजन कर लोकार्पण किया। मंच से शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जनजातीय समाज को ढेरों सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 30 अगस्त 2021 तक जिन जनजातीय समाज के भाइयों ने सामान गिरवी रखकर कर्ज लिया है वह भी माफ कर दिए जाएंगे और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जननायक टांटिया भील के नाम से जाना जाएगा। 15 से 22 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस में पूरे प्रदेश में निम्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और जनजातीय वर्ग की घोषणा की गई और साथ ही में मूर्त रूप दिया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।